दिल्ली पहुंचते ही योगी ने लिया ऐसा फैसला, यूपी में मचने वाली है भारी हलचल। ओम प्रकाश राजभर पर आ गया इतना बड़ा फैसला, टूट गया मंगरू चाचा का हौसला। मोदी ने अचानक योगी आदित्यनाथ को बुलाया दिल्ली, तो अखिलेश के उड़ गए तोते। यूपी में बदल जाएगी बीजेपी की टीम, कई मंत्रियों का भी कटेगा पत्ता। मोदी ने बढ़ा दिया योगी आदित्यनाथ का कद, रातों रात मिल गई बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बाबा बालकनाथ को योगी बनाएंगे सीएम, देखते रह जाएंगे योगी के दुश्मन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। योगी आदित्यनाथ ने 5 राज्यों के चुनाव में जहां जहां प्रचार किया, वहां वहां बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। मोदी को यह बात इतनी पसंद आई कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया। आधी रात जब लोग इस सवाल का जवाब तलाश रहे थे कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने मोदी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने बाबा बालकनाथ की दावेदारी को मजबूत कर दिया और यूपी में कई चेहरे बदलने के संकेत भी इसी के साथ मिलने लगे। 3 राज्यों में कमल खिलाने के बाद बीजेपी आलाकमान राजस्थान और एमपी में सीएम चेहरे की तलाश में जुटी है। अभी वसुंधरा राजे और बालकनाथ के नाम पर सस्पेंस खत्म भी नहीं हुआ कि उससे पहले योगी की एंट्री ने नेताओं के दिलो धड़कन बढ़ा दी है। यूपी में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की मांग हो रही है। अंदरखाने खबरें हैं कि शाह पहले ही ओपी राजभर और दारा सिंह को मंत्री बनने के लिए तथास्तु कह चुके हैं, लेकिन बाबा की कैबिनेट में किसी और की चले ये उन्हें मंजूर नहीं। यह वजह है कि कई बार डंके की चोट पर मंत्री बनने का ऐलान कर चुके ओपी राजभर अब भी कैबिनेट में जगह पाने के लिए कतार में ही खड़े हैं। दिल्ली दरबार के सूत्र बताते हैं कि योगी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद यूपी कैबिनेट विस्तार का प्रस्ताव मोदी शाह के सामने रखा था, जिसे मोदी शाह ने मान लिया, लेकिन 3 राज्यों में कमल खिलाने में बाबा के बुलडोजर मॉडल ने जो कमाल किया वो मोदी भी जानते हैं, शाह भी ये बात समझते हैं और जेपी नड्डा को ये बातें बखूबी पता है। यानी अब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी शर्तों के साथ कैबिनेट विस्तार करेंगे तो जिसे योगी चाहेंगे उसी चेहरे को यूपी कैबिनेट में जगह मिलेगी और इसी फैसले पर मुहर लगवाने योगी दिल्ली आए। दावा किया जा रहा है कि मोदी और नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने अपने नए मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करा ली है। जिनका पत्ता काटना है उनके नाम पर भी योगी ने मुहर लगवा ली है। तो क्या ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान योगी कैबिनेट के नए मंत्री होंगे या बाबा का प्रकोप ओपी राजभर के हसीन सपनों पर बड़ी चोट करने वाला है, ये अभी कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात तो तय है कि लोकसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार जरूरी भी है और सियासी मजबूरी भी है। 400 से ज्यादा विधायकों वाली यूपी विधानसभा में 60 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन यूपी में कैबिनेट और राज्य मंत्री मिलाकर अभी कुल 52 मंत्री ही हैं, यानी 8 मंत्रियों की जगह खाली है। जबकि लखनऊ में इस बात की चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि कई पुराने मंत्री योगी की नई टीम से गायब होने वाले हैं। सबसे ज्यादा टेंशन में वही नेता हैं जिनका पत्ता कटता नजर आ रहा है। दरअसल शाह से मंथन के बाद मोदी ने योगी कैबिनेट से जातिगत समीकरणों को तलाशने की सलाह दी, यानी योगी कैबिनेट में ओबीसी और दलित मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का सीधा निर्देश मिला है, जिसका एक ही मतलब निकलता है कि राजभर को भी मौका मिल सकता है। जबकि संजय निषाद और अपना दल के कोटे से पहले ही ओबीसी मंत्री योगी कैबिनेट में शामिल हैं। जहां तक सवाल दलित चेहरे का है तो कोई बड़ा दलित चेहरा योगी कैबिनेट में नहीं है। फिलहाल योगी कैबिनेट में 21 सवर्ण, 20 ओबीसी और 9 दलित मंत्री हैं, यानी सबसे कम प्रभुत्व दलित मंत्रियों का ही है। सीएम योगी का दिल्ली दौरा दूसरे मायनों में भी बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा यूपी के नए प्रभारी का ऐलान भी इसी महीने हो सकता है। सूत्रों की माने तो नए प्रभारी के नाम पर पार्टी में मंथन जारी है और इस मुद्दे को लेकर भी योगी, मोदी और नड्डा से बातचीत हो चुकी है। ये 2 महीने में तीसरी बार योगी का दिल्ली दौरा है, जिसका सीधा मतलब यही निकल रहा है कि यूपी में योगी कुछ बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को मोदी दिल्ली बुलाएंगे या फिर वो यूपी में ही बड़ी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे या आने वाले वक्त में उन्हें केंद्र में बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी? आपका जवाब क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।